गैंगस्टरां ते हो रहे जानलेवा हमले, कुलबीर नरवाणा ते कीता जानलेवा हमला, कुलबीर नरवाणा की हुई मौत। मरण तो पहला कुलबीर नरवाणा ने किते सी वटे खुलासे। दसिया सी कि कौन कौन दे रहा है धमकियां। बठिंडा विखे अज एक वड्डी वारदात वेखण नूं मिली, क्योंकि घर दे विच ही वड़ के साबका गैंगस्टर कुलबीर नरवाणा दे उत्ते गोलियां चला दित्तियां गईयां। ये गोलियां भी किसी होर वलों नहीं बल्कि उन्होंने अपने निजी गनमैन दे वलों चलाईयां गईयां, जिस दे विच कुलबीर नरवाणा दी तां मौके ते ही मौत हो गई। एक गोली उन्होंने लगती है जिस करके मौत हुंदी है, हालांकि उन्होंने साथी चमकौर सिंह की भी मौत हो जाती है। मरण तो पहला कुलबीर नरवाणा दे उत्ते पहला भी एक हमला होया सी। उस हमले तो बाद कुलबीर नरवाणा ने हमदर्द टीवी ते खास गलबात की सी, जिस दे विच उन्होंने खुलासे किए सन कि केड़े केड़े जो ने उन्होंने मगर लगे हुए ने, किन्ना किन्ना दे वल्लों उन्होंने जानों मारन दे धमकियां मिल रही ने, ते लोग किस तरह का सहयोग दे रहे ने। एक खशिया कुलबीर नरवाणा दे वल्लों जताया गया कि गैंगस्टर की दलदल की दुनिया के विचों असी बाहर उभर के आए हाँ, पर समाज सानू सहयोग नहीं दे रहा। तो मरण तो पहला किहड़े वड्डे खुलासे कुलबीर नरवाणा दे वल्लों कीते गए सन, वेखो इस खास रिपोर्ट दे विच। मरण तो पहला कुलबीर नरवाणा ने कीते सी वड्डे खुलासे। दसिया सी कि कौन कौन दे रहा है धमकियां। ये तकरीबन जी साढ़े कुछ ना कुछ 5-7 विरोधी भगावड़े हुए हुए है जी, जो कि असी प्रशासन नूं पहला भी प्रशासन के ध्यान च लिया भी ये भजे हुए है जी, भी इन्हों फड़ो। ये तकरीबन जी साढ़े कुछ ना कुछ 5-7 विरोधी भगावड़े हुए हुए है जी, जो कि असी प्रशासन नूं पहला भी प्रशासन के ध्यान च लिया भी ये भजे हुए है जी, भी इन्हों फड़ो। अज तड़कसार कुलबीर नरवाणा के घर जाके उन्होंने अपने ही गनमैन मनप्रीत सिंह मन्ना के वलों गोलियां चला दित्तियां गईयां, जिस विच कुलबीर नरवाणा ते उसके साथी चमकौर सिंह की मौत हो गई। दसिया जा रहा है कि आखिरकार इसके पिछे कोई वड्डी साजिश हो सकती है, पर इस तो पहला भी 22 जून नूं जदों कुलबीर नरवाणा के उत्ते हमला होया सी, तां उस समय भी कुलबीर नरवाणा ने प्रशासन नूं संकेत दे दिते सन कि उन्हां दी जान नूं खतरा है अते उन्हां नूं जानों मारन दीआं धमकियां तक भी दित्तियां जा रहियां ने। तकरीबन साडी 70 की स्पीड ते गड्डी सीगी, बरोबर आके साडे ऑपोजिट अपना लैफ्ट हैंड आके उन्होंने साढ़े ते फायर खोल दिते। घट्टो घट तकरीबन 12-13 राउंड साढ़े एक शीशे ते मेरे वाले टारगेट ते जिथे मैं बैठा सी वो शीशे ते फायर होए हैगे बैक तो। कुलबीर नरवाणा ने हमदर्द टीवी ते खास गलबात करदियां खुलासे कीते सन कि असी एक दलदल दे विचों निकल के आए हाँ, पर समाज साडा साथ नहीं दे रहा। साडे विरोधी जो भगौड़े ने उन्होंने वलों इस तरह दीआं साजिशां कीतियां जा रहियां ने, इत्थों तक कि पुलिस प्रशासन नूं भी इसकी सूचना दित्ती गई है, पर पुलिस प्रशासन कोई भी हरकत विच नहीं आ रहा। हाँ जी देखो जी, हुण प्रशासन नूं सुरक्षा दी तां कहांगे जी, हुण जिवें असीं समाज सेवा दे कम्मां विच आए जी, असीं तकरीबन 6-7 साल हो गए असीं घरे बैठे हाँ, जो कि चंगे काम धंधे कर रहे हैं जी, जो कि साडा ट्रांसपोर्ट का काम है, आपदी लाइन चेंज कर रहे हैं, जो कि मैं तुहानूं पहलां भी कहिंदा सी वी लाइन चेंज छेती छेती कर नहीं देंदे लोग, ते पर लगे तो हुए हैं। कुलबीर नरवाणा लगातार मीडिया दे राही एक गल्लां दा खुलासा करता रहा कि उसकी जान नूं खतरा है अते पुलिस प्रशासन उस नूं सहयोग नहीं दे रहा, क्योंकि उसने कई बार दरखास्त दे दिती है कि कई जो उन्होंने विरोधी ने भगौड़े हो चुके ने उन्होंने वलों इस तरह धमकियां दित्तियां जा रही ने, पर सब के बावजूद पुलिस ने उन्होंने शिकंजा नहीं कसिया। अज आखिर दे विच ओही होया जिसका सब डर सी। अचानक सवेरे 8 बजे के करीब कुलबीर नरवाणा के घर के जाके उन्होंने निजी गनमैन मनप्रीत सिंह मन्ना दे वलों कुलबीर नरवाणा अते चमकौर सिंह दे उते गोलियां चला दित्तियां जांदियां ने, जिस दे विच कुलबीर नरवाणा दी तां मौके ते ही मौत हो जांदी है, जबकि उन्हां दा साथी चमकौर सिंह जिस दे उते मनप्रीत मन्ना दे वलों गड्डी चढ़ा दित्ती जांदी है, हस्पताल दे विच उस दी भी मौत हो जांदी है।
कुलबीर नरवाणा दे नाल पए साथी ने सारी कहानी बयान की है कि आखिरकार किस तरह मन्ना भज के कुलबीर नरवाणा दे कमरे विच आंदा है। मैनू ग्रीन टी बनाउण दी गल कह के आप मनप्रीत मन्ना कुलबीर नरवाणा दे नाल गड्डी विच जाके बैठ जांदा है, जिस तों बाद गोलियां चला दित्तियां जांदियां ने। ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਾ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਉਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਆ ਕੇ ਕੁਲਵੀਰ ਬਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਚ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਨ ਟੀ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਚ ਬੈਠੇ, ਠੀਕ ਆ ਗੱਡੀ ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਨ ਟੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਗਰੀਨ ਟੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਖੋਲਤਾ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਾ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਫੈਰ ਖੋਲਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਫੈਰ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਰਜਰ ਖੋਲਤਾ, ਫੇਰ ਫੈਰ ਮਾਰਤੇ, ਫੇਰ ਬਾਈ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਨਰਵਾਣਾ ਦੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੱਲਾ ਸ਼ੇਖੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਭੱਲਾ ਸ਼ੇਖੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਨਾਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਨਰਵਾਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਬੀਰ ਨਰਵਾਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ।